हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है माय ट्यूब चैनल नॉलेज हब में। 51 करोड़ लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा चुके हैं। अगर आपने या आपके किसी फैमिली मेम्बर में अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो यह कराना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। 30 जून तक भी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आप अपने पैन कार्ड से कोई बेनिफिट नहीं ले पाइएगा। ITDS चार्जेस पे करने होंगे, ना तो कोई रिफंड मिलेगा और ना ही कोई इंटरेस्ट मिलेगा। सो इस वीडियो में पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोल में आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको लिंक आधार में क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए यहाँ पर पैन नंबर डालना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा कि इस पैन कार्ड के लिए पेमेंट नहीं किया गया है, तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए तो आप पहले पेमेंट करेंगे, इसलिए कंटिन्यू टू पेपर पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, इसके बाद दोबारा से पैन कार्ड नंबर डालना है। कंफर्म करने के लिए नीचे आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद कंटिन्यू अपने नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ डालकर कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आपको इनकम टैक्स रसीद पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, इसमें आपको लेटेस्ट चूज़ करना है 2023-24। इसके बाद आपको टाइप ऑफ पेमेंट चूज़ करना है, इसमें आपको चूज़ करना है अदर रिसिप्ट जिसका कोड है 500, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अदर में 1000 रुपीज़ आ चुका है, तो आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और पेमेंट गेटवे ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आपको यहां पर कुछ बैंक दिए गए हैं, इनसे आप पे कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड से पे करना है तो आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। डेबिट कार्ड में कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ही अवेलेबल है। अगर आपका बैंक इसमें नहीं है तो सीधे पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे। इसमें आप 3 पेमेंट गेटवे दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी एक पेमेंट गेटवे से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं अंडर बैंक वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। पेमेंट गेटवे थ्रू भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू, आपके समय एक समय आ जाएगा 1000 रुपीज़ को पे करने हैं। अब यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे, टर्न अप कनेक्शन को अब यहाँ पर रीड करेंगे, आई एग्री, इसके बाद सबमिट टू बैंक। अब यहाँ से आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको UPI से पेमेंट करना है तो आप UPI पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको UPI ID डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके UPI एप्लीकेशन में एक पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। अपना UPI पिन डालकर आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड पर क्लिक करेंगे, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड की डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे और OTP डालकर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी बैंक इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से पे करने पर आपको 12 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। आप यहाँ कंफर्म कर दे, इंटरनेट बैंकिंग पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपने user ID पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अपने रिकॉर्ड के लिए चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है, क्योंकि ये पेमेंट अपडेट लेने पर थोड़ा टाइम लेता है। तो आप 1 से 2 दिन के बाद दोबारा से इस पोर्टल पर जाएंगे, इसमें आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वही पेज आ जाएगा। इसमें आप अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालकर क्रेडिट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप पेमेंट पहले ही कर चुके हैं तो आपकी पेमेंट डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप नेम डालेंगे जैसा आधार पर लिखा हुआ है, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आप टर्न ऑफ कनेक्शन करेंगे, आई एग्री, इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP सेंड किए जाएंगे, OTP यहां डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और आपके इसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसमें अब आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर डालकर व्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि आपका पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो
लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करें।